दोस्तों भारत में कोरोना खुद धड़ाम हो चुका है, तो अपने बाप यानी कि चीन को धड़ाम करने में लगा है। अपनी मातृभूमि पर कोरोना एक बार फिर से पांव पसार रहा है और कपटी चीन एक बार फिर से बेदम हो रहा है। कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए जिनपिंग सरकार ने इनर मंगोलिया में लॉकडाउन लगा दिया है। खैर, चीन में लॉकडाउन क्यों लगा दिया गया है, इसके पीछे असली मकसद क्या है, वो हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप जरा भारत का हालचाल ले लीजिए, क्योंकि भारत अब एक बार फिर से दुनिया को कोरोना से राहत देने के लिए आगे बढ़ चुका है। बड़ा मिशन भी लॉन्च कर दिया है, क्योंकि देश में तो कोरोना अब धरातल पर आ चुका है। कुछ आंकड़ों की बात कर लें तो एक दिन में केवल 12,000 नए मामले आए हैं, जो पिछले 238 दिन में सबसे कम है। तो वहीं अब केवल 1,63,000 मरीज ही इलाजरत है। अब ये जो नए मरीज भी सामने आ रहे हैं, उनमें केरल का योगदान 50% से भी ज्यादा है। वहां अब भी 8,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। तो ये तो रही कोरोना केसेस की बात, लेकिन भारत एक बार फिर से दुनिया का दुख दूर करने का मिशन लॉन्च कर चुका है। और दोस्तों, ये मिशन है दुनिया में वैक्सीन पहुंचाने का। दुनिया को कोरोना से बचाने के लिए फिर से उतरा भारत। जल्द दुनिया के देशों को शुरू होगा टीकों का एक्सपोर्ट, क्योंकि कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ देश भर में महीनों से वैक्सीनेशन अभियान जारी है। शुरुआती समय में भारत ने अन्य देशों को वैक्सीन सप्लाई की, लेकिन दूसरी लहर में टीकों की कथित कमी होने के कारण रोक दिया गया। अब एक बार फिर से अन्य देशों को टीकों की सप्लाई शुरू होने वाली है। आपको बता दें कि भारत कुल मिलाकर टीकों का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है, लेकिन इसी साल अप्रैल महीने में कोविड के टीकों का एक्सपोर्ट बंद कर दिया गया था, क्योंकि उस समय दूसरी लहर में काफी ज्यादा मामले सामने आने लगे थे और देश को जल्द से जल्द वैक्सीन लगाई जानी थी। अधिकारियों के मुताबिक फिलहाल सरकार की प्राथमिकता भारत की एलिजिबल आबादी को प्रभावी ढंग से कम समय में वैक्सीन लगाना है। उसके बाद भारत दुनिया को भी वैक्सीन देकर राहत देने का मूड बना चुका है। नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार और ईरान को उनकी आपूर्ति फिर से शुरू करने के सरकार के फैसले के अनुसार कोरोना वायरस के टीके भेजे गए हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि सरकार ने शुरुआत में पड़ोसी देशों को सप्लाई करने का फैसला किया है, यानी पहले पड़ोसी फिर दुनिया के दूसरे देशों को भारत वैक्सीन सप्लाई करेगा। फिलहाल देश में टीकाकरण की रफ्तार तेजी से आगे बढ़ रही है। अब तक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को 107 करोड़ से ज्यादा कोरोना वैक्सीन की डोज दी गई है। तो इस बीच अमेरिका ने अपने यहाँ आने वाले दूसरे देशों के लोगों के लिए नए नियम जारी कर दिए हैं। भारत के लिहाज से देखें तो इन नए नियमों से भारतीय को वैक्सीन लगवाने वालों को अमेरिका में एंट्री नहीं मिलेगी। मार्च 2020 में भारत समेत 33 देशों के नागरिकों पर कोरोना के डर से अमेरिका ने पाबंदी लगाई थी। कुछ कोरोना के घटते केस और कुछ दुनिया में बढ़ते वैक्सीनेशन की वजह से अमेरिका के मन में खौफ कुछ कम हो गया है। बाइडेन ने नए कानून पर दस्तखत कर दिए हैं, जिसके तहत वैक्सीन के दोनों डोज लिए अमेरिकी यात्रियों को 3 दिन पहले की नेगेटिव जांच रिपोर्ट दिखानी होगी। तो इसी बीच 2 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन डोज देकर रिकॉर्ड का पहाड़ खड़ा करने वाला चीन फिर से धड़ाम हो चुका है। चीन में फिर से डेल्टा कोरोना का आतंक, एक शहर में टोटल लगाया लॉकडाउन। चीन ने इनर मंगोलिया में कोरोना मामले सामने आने के बाद लॉकडाउन लगा दिया है। यहां के लोगों को घरों के भीतर ही रहने का आदेश दिया गया है। ये लॉकडाउन राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग के अधिकारियों की चेतावनी के एक दिन बाद लगाया गया है। उन्होंने आगाह किया था कि एक हफ्ते में 11 प्रांतों में फैलने के बाद भी वायरस का प्रकोप बढ़ता रहेगा। अधिकारियों ने मौजूदा कोरोना लहर के लिए डेल्टा वेरिएंट को जिम्मेदार ठहराया है। पेइचिंग में फरवरी में होने वाले विंटर ओलंपिक से पहले यात्रियों और पर्यटक समूहों के कारण कोरोना वायरस के डेल्टा स्वरूप का प्रकोप होना चिंता का विषय बन गया है। इस आयोजन में अन्य देशों के दर्शकों पर पहले ही रोक लगाई जा चुकी है। हालांकि दोस्तों, भारत में भी डेल्टा वेरिएंट का खतरनाक रूप मिला है, जो ब्रिटेन में कहर बरपा चुका है, लेकिन वैज्ञानिकों ने इसे भारत के लिए खतरा नहीं बताया है। कोशिकीय एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक राकेश मिश्रा ने कहा कि कोरोना वायरस का ये नया डेल्टा रूप फिलहाल ज्यादा संक्रामक नहीं दिख रहा है।